आपको अपडेट करें, नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का कहना है कि वालिद के दांतों का मुआयना आज किया जाएगा। लंदन गाइज अस्पताल से मुआयने की रिपोर्ट पीर को मिलेगी और पीर को ही प्रॉम्प्टन अस्पताल से पीईटी स्कैन किया जाएगा। पीईटी स्कैन से मर्ज की तशखीस में मजीद मदद मिलने का इम्कान है। उम्मीद है जल्द ही बाकायदा इलाज का आगाज कर दिया जाएगा। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद है। गुलाम हुसैन अवान, कहिएगा नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में क्या बताना था और कौन से टेस्ट किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हुसैन नवाज ने आज मीडिया को बताया कि आज मियां नवाज शरीफ का जो दांतों का टेस्ट है वो हो रहा है और उसकी रिपोर्ट भी कल जो है वो पीर के रोज आएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि जो पेट स्कैन है जिसके बारे में काफी कंसर्न्स पाए जा रहे हैं, वो बड़ा अहम स्कैन है, वो कल ब्रॉम्प्टन अस्पताल के अंदर होगा और उसमें जो है ये चीज डायग्नोज करने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह जो मियां नवाज के प्लेटलेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर डिसऑर्डर का शिकार बने, वो बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे थे। और ये जो बड़ा अहम स्कैन है और स्कैन के बाद जो है वो तोखो की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस स्कैन के जरिए ही डॉक्टर्स ये पता कर सकेंगे कि मियां नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो पिछले दिनों क्यों इतना गिरे और अभी तक स्टेबल क्यों नहीं हो रहे। जी जी, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन नवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।